जो मंदिर परिसर में जो चार द्वार है, तीन द्वार अभी बंद है और पब्लिक ने डिमांड किए थे कि चार द्वार खुलने के लिए, जैसे मंगल आरती पूजा शुरू होगा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 12 जून को नए सीएम के तौर पर शपथ ली। इस बीच वो भुवनेश्वर में स्थित सचिवालय पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपनी पहली मंत्रिमंडल बैठक की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत की। शपथ लेने के बाद से ही सीएम मोहन मांझी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सरकार बनते ही जगन्नाथ मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बैठक में पहला प्रस्ताव था महाप्रभु जगन्नाथ का, जो मंदिर परिसर में जो चार द्वार है, तीन द्वार अभी बंद है और पब्लिक ने डिमांड किए थे कि चार द्वार खुलने के लिए, तो वो निष्पत्ति कैबिनेट ने आज पहले प्रस्ताव में लिया। कल सुबह ही जैसे मंगल आरती पूजा शुरू होगा, सरकार स्वयं जाएगा उधर, सब मंत्री लोग मंत्रिपरिषद वहाँ जाएंगे। आज ही अभी हम यहाँ निकलेंगे और कल सुबह चार द्वार हम उपस्थित रहते हुए सब श्रद्धालु को प्रवेश करने के लिए हम स्वागत करेंगे। वो निष्पत्ति ले गया, वो प्रथम निष्पत्ति। सेकेंड निष्पत्ति है मंदिर का रक्षणाबेक्षण करने के लिए और उनका जो डेवलपमेंट करने के लिए तत्क्षणात् फंड्स की ज़रूरत होता है, इसलिए सरकार ने आज कैबिनेट में सेकंड प्रस्ताव में रखे कि एक कॉर्पस फंड करने के लिए, इसमें से नेक्स्ट बजट में हमने 500 करोड़ हम बजट में रखे हैं। वो बजट में कॉर्पस फंड करने से इसमें से जो प्रॉब्लम भी सडन आता है उसको समाधान किया जाएगा, इसलिए कॉर्पस फंड एक बनाने का निष्पत्ति लिया। थर्ड हमारा प्रस्ताव है जो हमारा जो फार्मर्स का उनका जो पेड़ी पेकरमेंट में जो जैसे एमएसपी जैसा उनका एक फिक्स हो रहा है केंद्र सरकार तरफ से, और राज्य सरकार ने जैसे वो दे रहे थे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हमारा संकल्प पत्र में जो प्रस्ताव था इसलिए कि हमने एक योजना हमने करने के लिए कृषक समृद्ध कृषक नीति, वो हमारा संकल्प पत्र में हमने रखे थे कि सरकार आएगा तो एक समृद्ध कृषक नीति बनाएगा, इसमें से पर क्विंटल में 3100 रुपया देने के लिए, इसको हम आज नीतिगत निष्पत्ति हमने लिए और निश्चित रूप से हमारा जो अगला 100 दिन का कार्यक्रम है इसमें से हम शामिल करते हुए वो निष्पत्ति ले रहे हैं। जल्द से जल्द वो कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। और लास्ट में हमने चौथा प्रस्ताव में हमने जो महिला और शिशु विभाग का तरफ से जैसे मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण का लास्ट गवर्नमेंट में जैसे प्रस्ताव रखे थे, योजना कर रहे थे, लेकिन वो योजना फेल हुआ, इसलिए हमने एक संकल्प पत्र में हमने स्थान दिया था कि सुभद्रा योजना लागू किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में सत्ता में आएगा तो हम सत्ता में आज आ गए, इसलिए हमारा जो सुभद्रा योजना लागू करने के लिए हमारा जो अगला जो 100 दिन का कार्यक्रम है इसमें से हम सुभद्रा योजना में प्रत्येक महिला को 50,000 रुपया का भाउचर प्रदान करने के लिए कैबिनेट में हमने निष्पत्ति ले लिए, और वो भी 100 दिन का अंदर हमने डिपार्टमेंट को हमने दिया डिटेल्स, रूल्स एंड गाइडलाइन कैसे तैयार किया जाए और निर्देश सरकार तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने दे दिया, 100 दिन का अंदर वो कार्यकारी होगा, इसलिए हम नीतिगत निष्पत्ति लिया। थैंक यू। वहीं सीएम मोहन चरण मांझी ने मीडिया के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों की सचिवालय में एंट्री शुरू करवा दी है। दरअसल कोविड के बाद से ही सचिवालय में पत्रकारों की एंट्री बंद थी। वहीं पिछले 4 सालों में ऐसा पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही ये कहा था कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनते ही पत्रकारों को सचिवालय में एंट्री देंगे, यानी लोकल स्तर पर ये भी एक मुद्दा बन गया था।